दोस्तों नमस्ते, मैं तुषार, अपना ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल गिटार गाड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर एक गाना लिखा है दोस्तों, उसको कंपोज करेंगे, उसको म्यूजिक देंगे। लेकिन दोस्तों नॉर्मली मैं क्या करता था, हमेशा अपना गाना लिखता था, कंपोज करता था, म्यूजिक देके गाना गाता था और आपके सामने डायरेक्ट अपलोड करता था। ये जो मैं हमेशा ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल पे स्वागत करता हूँ बोलता हूँ ना, मैं ये यूट्यूब ने ही फैसिलिटी देके रखा है आर्टिस्ट लोगों को, जो सॉन्ग राइटर है, जो गाना लिखना जानते हैं या गाने को म्यूजिक देना जानते हैं, कंपोज करना जानते हैं, उन लोगों के लिए यूट्यूब ने ये फैसिलिटेट किया है। जो गिटार गाड़ी अपना चैनल का नाम है उसके सामने एक म्यूजिक का नोट बैज के स्वरूप में आप देखते हैं ना, जैसा वेरीफाइड चैनल के लिए ये टिक मार्क रहता है, तो ये आर्टिस्ट चैनल के लिए एक म्यूजिक का नोट रहता है। बहुत थोड़े आर्टिस्ट चैनल है तो उसमें से मैं भी एक हूँ, तो मस्ती से बोलता हूँ मैं ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल पे। लेकिन ये गाने लिखना, कंपोज करना, अपलोड करना, इसमें मज़ा आता है। आज तक आप ही व्यूअर जो है वही मेरे रिव्यूअर है, क्योंकि मेरे गाने कौन कौन रिव्यू करेगा, आप मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर है। तो मैं आज तक जो गाने लिखता था वो आपके सामने डायरेक्ट अपलोड करता था। और आज लेकिन क्या हो गया, गाना तो मैंने लिखा है लेकिन ये प्रोसेस क्या है मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। गाना लिख के रेडी है, ये बाजू में मैं आपको गाना दे दूंगा, मतलब वर्डिंग गाने के लिरिक्स, और उसको मैं कंपोज करने के लिए क्या करता हूँ, कंपोज के बाद में उसको म्यूजिक देने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं शॉर्ट 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 में आपको बातें बताऊंगा। क्योंकि आप अगर सॉन्ग राइटर है या सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं तो आपको ये बहुत काम की चीज़ है, इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, लास्ट तक देखो दोस्तों। पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अच्छा, ये सब्सक्राइब जो कहते हैं ना बार बार सब लोग, ये सब्सक्राइब पे भी मैंने गाना लिख के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये गाने का मैं लिंक आपके आपको दे के रखता हूँ। अच्छा, जो भी लिखे हैं सबके लिंक दे के रखता हूँ, आप एक बार देखो, सुनो, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पहला मेरा गाना मैंने कौन सा लिखा है, मराठी गाना लिखा है दोस्तों। मराठी गाना ज़्यादा, मतलब नॉर्मली 50-50% में लिखता रहता हूँ, मराठी भी हिंदी भी, लेकिन अचानक से मेरे को सूझा तो मराठी गाना लिखा। तो जो भी हो, हिंदी व्यूवर जो है आपको थोड़ा 50-60% समझ में आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस समझ लो। क्योंकि आप जो भी भाषा के है, तमिल है, कन्नड़ी है, जो भी भाषा के है, प्रोसेस तो सेम ही रहता है, क्योंकि म्यूजिक को कोई लैंग्वेज नहीं रहती। तो दोस्तों हम लोग पहले गाना, मतलब मैंने क्या लिरिक्स लिखा है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है उसको मैं कौन से बीट में कैसा कंपोज करता हूँ, वो ट्रिक क्या रहता है या वो प्रोसेस क्या रहता है, वो मैं आपको एक 3-1 मिनट में समझाऊंगा। और उसके बाद में कौन सा म्यूजिक अच्छा रहेगा, कौन से कॉर्ड्स अच्छे रहेंगे, वो भी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद में जब होगा पूरा तो गाना करेंगे, आप ही मुझे रिव्यू करके बोलना, क्योंकि मैंने आज तक कहीं कोई प्रोग्राम नहीं किया है, किसी के सामने गाना नहीं गाया, अपने चार दोस्त लोग या कॉलेज के टाइम में एक आध बार, नहीं तो आज तक मैंने 1-2 बार ही माइक को हाथ लगाया होगा। दोस्तों आप ही मेरे व्यूअर है तो आप ही रिव्यू करके मुझे बोलना है कि ये अच्छा लगा, बुरा लगा, बेकार लगा, जो भी है। लेकिन सब्सक्राइब, जैसे मैंने आपको बोला सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे कुछ चाले में करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, गाना क्या लिखा है मैंने मराठी में, वो आपको बताने से पहले थीम क्या है, न्यू लव बर्ड्स, प्यार का जोड़ा, प्रियसी और प्रियकर। और प्रियकर जो है वो अपने प्रियसी को कुछ अर्जी कर रहा है, नया जोड़ा है, लव बर्ड्स है। तो ये थीम है, ये थीम के हिसाब से मैं मुझे गाना सूझा, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। प्रियकर ठंडी में प्रियसी से बोलता है कि गुलाबी ठंडीत जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा, ओके। उसके बाद में कहता है तुझाच हातात प्रेमाची किल्ली नी तुझाच गोड नखरा, नखरा तो आप जानते हैं, ठंडी आप जानते हैं, नॉर्मली हिंदी भाषिक जो है वो 50-60% जान जाएंगे। अच्छा, उसके आगे क्या मैंने लिखा है कि साध घालू तुला कान न्याहाळू तुला शब्द झाला मुका आता होतील चुका। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने क्या लिखा है कि तुमको एक बार याद दिलाऊ कि हम लोग लोबर्ड से साथ घालू तुला कान निहाल तुला क्या देखते ही बैठू, या अभी तो मतलब शब्द खत्म हो गए मेरे बोल बोल के, अभी कोई गलती होने वाली है, मतलब आता होतील चुका।
इसके आगे जवळ ओढून हाताला धरून कुशीत घेना जोड़ी दारा ऐसा लिखा है। इसके आगे जो गाना है वो है मन मोड़ू नको दूर जाऊ नको। देखो कोई भी भाषा के लोग आसानी से समझ सकते, मन मोड़ू नको दूर जाऊ नको स्वप्न जे पाहिले आज तोड़ू नको। उसके आगे भरोसा राखून डोळे घे मिटून मी जीवलग तुझा खरा, तुझाच हातात प्रेमाची किल्ली नी तुझाच गोड नखरा। ये 10 लाइन की पोएम जो गाना मैंने लिख के रखा है, बाजू में मैं देता हूं। अब लिखने के बाद आप कोई भी सिचुएशन पे लिख सकते हैं, आप जरूर लिखना। ये सिचुएशन जो रहती है, मैं जैसा अपना कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बना के रखा है, मैं कोई वल्गर वर्ड या एब्यूज वर्ड या एडल्ट वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करता, और जैसा कि सिचुएशन को न्याय देने की कोशिश करता हूँ। अब जब सिचुएशन ऐसी है कि जिसको प्रणय गीत बोलते, तो प्रणय गीत में प्रियकर अपनी प्रियतमा से कुछ अर्जी कर रहा है, तो मैं अर्जी तक ही सीमित रखूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार करने वाले जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते, बरोबर है। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचार संहिता, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा है रखा है। आप अपने हिसाब से रख के अपने गाने लिख सकते कोई भी सिचुएशन पे, दर्द भरा हो, जैसे मैंने ये प्रणय गीत लिखा है, आप कोई भी सिचुएशन पे मोटिवेशन सॉन्ग कोई भी सिचुएशन पे लिख सकते, जैसा ये गाना मैंने लिखा। अब अगली स्टेप क्या है, मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, आपको बताता हूं ये गाना कितने बीट में हमको सेट करना है। ये 3 बीट में करना है, 4 बीट में करना है। तीसरी बात जो आती है कि कॉर्ड्स, बेस्ट सुटेबल कॉर्ड्स आपके लिए कौन से है, गिटार पे या हारमोनियम पे बेस्ट सुटेबल कॉर्ड्स क्यों, क्योंकि इनिशियली हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है कि मेरे आवाज को कौन से कॉर्ड्स बेस्ट सुटेड है, मैं कौन से कॉर्ड से शुरुआत कर सकता हूँ या कौन से कॉर्ड्स पे अच्छा गा सकता हूँ। तो गाने गाने के बाद में भी समझ में आता है, या थोड़े एक्सपेरिमेंट के बाद में भी, एक आध दो सॉन्ग राइट किए लिखे उसके बाद में भी समझ में आता है। तो मुझे कुछ ऐसा ही हुआ, गाते 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 मुझे समझ गया कि मैं सी मेजर पे या बी माइनर पे या जी माइनर पे, जी शार्प माइनर पे, ए माइनर पे ऐसे गाने कुछ अच्छा गा सकता हूँ। तो ये मुझे बाद में पता चला। तो उसका हिसाब से मैं मेरे कॉर्ड्स एक इनिशियल, आप इनिशियल लेवल पे करते तो मैं आपको सलाह दूंगा सीधा सीधा सी मेजर पकड़ो, सी मेजर के हिसाब से या जी मेजर के हिसाब से आपका आवाज सेट करने की कोशिश करो, सूट करने की कोशिश करो गिटार में। ओके, यहां तक समझ गए। अब अगली बात जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बीट्स में, अगर मैं सी मेजर की सोचता हूं तो सी मेजर की फैमिली मुझे मालूम होनी चाहिए। सी मेजर, उसकी फैमिली में डी माइनर आती है, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ये ई माइनर, ये फैमिली जो है सी मेजर की, ये मुझे पता होनी चाहिए। आपको पता नहीं है तो उसका एक चार्ट गूगल पे मिलता है, वो आप डाउनलोड कर लो, बार बार देख लो, उसको बजा के एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करो आप। तो हर एक कॉर्ड की ओरिजिन टू एंड फैमिली आपको पता चल जाएगी। वो फैमिली से बाहर जिसको ऑफ कॉर्ड बोलते, एक आध दो बार हम लोग यूज करते, या एक्सपेरिमेंटल कॉर्ड या पावर कॉर्ड जो है वो एक आध दो बार हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली 90% सॉन्ग जो है एक ही सॉन्ग के फैमिली में आते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझो ऐसा लेते कि पहले सी मेजर से गाना हम लोग शुरू करेंगे। सी मेजर के बाद जो कॉर्ड्स आती है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएंगे, लेकिन मुझे जो वहां यहां पे लगने वाली है, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, डी मेजर, ई मेजर और ए माइनर भी एक लगने वाली है मुझे। ओके, ये कॉर्ड्स मुझे लगने वाली है, मैंने पहले से ढूंढ के निकाला है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ये सीक्वेंस में बताता हूं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बीट्स में, क्या बीट्स में हम लोग गाना बनाने वाले हैं, कितने बीट्स में, 3 बीट में, 4 बीट में या उससे आगे कुछ करने वाले, ये कैसे ढूंढना है। बीट समझ लेने से पहले 3 बीट में एक एक्सपेरिमेंट तो हम लोग करते हैं, बाजू में आप गाना देख सकते हैं, लेकिन 3-4 बार 5 बार आपको अपना ही खुद का गाना जो लिखा है वो पढ़ना जरूरी है। पढ़ते पढ़ते ही आप समझ जाएंगे ये कितने बीट में हम लोग कर सकते। तो 3 बीट मतलब क्या, 1 2
1 2 3, समझ गए? और 4 बीट मतलब 1 2 3 4। अब जैसे पहले दो लाइनें हम लोग लेते, गुलाबी ठंडीत जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा, तो ये मैं 3 बीट में 1 2 3 1 2 3। 3 बीट का सबसे आसान जो स्ट्रमिंग पैटर्न है आप जानते हैं, डाउन 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 डाउन, या तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये 3 बीट का हो गया। 3 बीट में मैं कैसा गाना सेट करूंगा, गुलाबी ठंडी जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा, गुलाबी ठंडी जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा, ये हो गया 3 बीट का। ये कोई भी कोई भी अलग भी उसको कंपोज चाल अलग भी रह सकती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। अच्छा, 4 बीट में क्या होता है, 1 2 3 4, है ना, गुलाबी ठंडीत जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा। चौथा बीट भी आना चाहिए, पॉज क्यों ना हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुलाबी ठंडीत जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा 4। ओके, 4 बीट में आना चाहिए ना, 4 4 4 4 4। तो समझो ये 4 बीट में मैं अगर गाता हूं, ये 4 बीट का डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन, ला 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 ला, ये अच्छा लगता है ना थोड़ा स्पीड में, गुलाबी ठंडीत जोरा चवारा तू मिठीत घेना जरा, तुझाच हातात प्रेमाची किल्ली मी तुझाच गोड नखरा। कौन सा अच्छा लगता है आपकी मर्जी है, मुझे ये अच्छा लगा तो 3 बीट के बजाय मैं 4 बीट में करूंगा। अच्छा, बीच बीच में जो बदलना पड़ता है तो वो फैमिली में आ जाता है आपको धीरे धीरे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल खींचूंगा नहीं क्योंकि आप कंठल जाएंगे देखते देखते। समझ लो गाना लिखा है, लिखना है, या आप लिखने वाले तो मैंने जैसे आपको बताया आपका पोएम लिखो मीटर में 4x4 बीट में या 3x3 बीट में लिखने के लिए, उसको अगर करेक्शन करना पड़े तो कुछ कर लो, और वो करेक्शन पे के बाद में आप एक बार 3 बीट पे सी मेजर से शुरुआत करके देखो, एक बार 4 बीट में सी मेजर पे अच्छा सूट नहीं होता है ऐसा लगता है आपको तो जी मेजर से शुरू करो, इनिशियली ये ओपन कॉर्ड से यूज करो, धीरे धीरे आपको समझेगा आपका कौन सा कॉर्ड आपके वॉइस को बेस्ट सूट होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा, इमीडिएट नहीं समझेगा। तो मुझे तो अभी अच्छा लगा, सी मेजर भी अच्छा लगा ना दोस्तों आपको, और ये चाल हम लोग सी मेजर भी करेंगे, गुलाबी ठंडीत जोरा चवारा तू मिठीत घेना जरा, रा 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 हो गया, लेकिन अपना खुद का गाना है, हम चाहे जो कॉर्ड बजा सकते, चाहे लाला नहीं रारा भी कर सकते, गलती किसके लिए, अगर कोई पहले से गाना है तो वो रारा गलती हो जाएगा, लाला का रारा हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, रारा में भी शुरुआत करते हैं हम लोग, यही अच्छा लगता है दोस्तों, इसीलिए करते हैं, यही शुरुआत करते हैं। चलो अब मैं फंक्शन करते टाइम, मतलब उसको प्रोसेस करते टाइम क्या करूंगा, मुखड़ा जो है वो एक बार गाऊंगा, अंतरा जो है पहला अंतरे के बाद में मुखड़ा वापस गाऊंगा, और फिर मुखड़े के बाद में दूसरा अंतरा गाऊंगा, ये मैंने फंक्शन सिक्वेंस रेडी रखा है। ओके, आप भी ऐसा ट्राई करना, मैंने बताया गाना कैसे लिखना है, वो कंपोज कैसे करना है 3 बीट में 4 बीट में, आपकी जो चाल है आपको जो अच्छा लगता है वो चाल में आप कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने बताया आपको सूटेड कॉर्ड्स कैसे पकड़ने हैं, या अपने लिए कैसा पहला एक्सपेरिमेंट कैसा करना है, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कैसा लिखना है, और उसके सब के बाद में म्यूजिक कैसा कंपोज करना है। आपको मैंने समझाया ना कि ये 4 बीट में म्यूजिक कंपोज करना है आपसे सूटेड की में, और उसकी जो बाकी के फैमिली है कॉर्ड की फैमिली वो आपको मालूम होनी चाहिए। ओके,
तो हम लोग सी मेजर पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो आप बीच बीच में देखते रहना, आप रिव्यू भी करना है, आपको बताना भी है मुझे कि ये गाना कैसा लगा आपको। और जो जैसा मैंने बोला, मैंने जो जो गाने लिखे हैं आपको सबके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे के रखता हूँ। आप नए व्यूवर हैं, नए सब्सक्राइबर है, तो जो अभी अभी अपने फैमिली में जुड़े हैं सब्सक्राइबर फैमिली में, तो आपको गुजारिश है आप संगीत प्रेमी तो पक्के रहेंगे, क्योंकि उससे या म्यूजिक लवर रहने के साथ ही आप लोग यहाँ पे जुड़ते, नहीं तो कुछ काम का ही नहीं हुआ है म्यूजिक के सिवाय। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं सी मेजर से ही। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सी मेजर बार कॉर्ड में लेता हूँ मैं। अभी सी मेजर ये बार कॉर्ड हो गया ना, ये सी मेजर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बार कॉर्ड में। ये देखो मैं तीसरे फ्रेट पे केपो लगा दिया, तो केपो लगाने के बाद से मेरा ये सी मेजर। ओके तो हम लोग ओके, अब ये ए माइनर की बजाय मुझे ये लगेगा। केपो लगाने के बाद में ए मेजर, एफ शार्प मेजर, डी मेजर और ई मेजर, चार ही कॉर्ड्स हो गए। चलो गाना शुरू करते हैं दोस्तों, रारा रारा से ही शुरू करेंगे। ओके एक बार मैं ठीक तरीके से लगा, चलो शुरू करते हैं। ओके साउंड आ रहा है दोस्तों। गुलाबी थंडी जोरात वारा तू मिठीत घेना जरा, तुझाच हातात प्रेमाची किल्ली मी तुझाच गोड नखरा। गुलाबी थंडी जोरात वारा तू मिठीत घेना जरा, तुझाच हातात प्रेमाची किल्ली मी तुझाच गोड नखरा। साथ घालू तुला कान हाडू तुला, शब्द झाला मुका आता हो साथ घालू तुला कान हाडू तुला, शब्द झाला मुका आता हो दिल चुका। जवळ उडून हाताला धरून खुशीत केला जोडी दारा, तुझ्याच हातात प्रेमाची किल्ली नि तुझाच गोड नखरा। जवळ उडून हाताला धरून खुशीत केला जोडी दारा, तुझ्याच हातात प्रेमाची किल्ली नि तुझाच गोड नखरा। रा 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 रा। गुलाबी थंडीत जोरात वारा तू मिठीत घेना जरा, तुझ्याच हातात प्रेमाची किल्ली नि तुझाच गोड नखरा। मन मोडू नको दूर जाऊ नको, स्वप्न जे पाहिले आज तोडू नको। मन मोडू नको दूर जाऊ नको, स्वप्न जे पाहिले आज तोडू नको। भरोसा राखू डोळे घे मिटून मी जीव लग तुझा खरा, तुझ्याच हातात प्रेमाची किल्ली ते तुझाच गोड नखरा। भरोसा राखू डोळे घे मिटून मी जीव लग तुझा खरा, तुझ्याच हातात प्रेमाची किल्ली ते तुझाच गोड नखरा। रा 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 रा। गुलाबी थंडी जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा, तुझ्याच हातात प्रेमाची किल्ली मी तुझाच गोड नखरा। गुलाबी थंडी जोराचा वारा तू मिठीत घेना जरा। थँक यू, कैसा लगा मुझे जरूर बोलना दोस्तों, सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके शुक्रिया।